आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने 1956 को अंतिम सांस ली थी। चूंकि बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, इसलिए आज पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर उन्होंने सरकार की तरफ से किए गए कार्यों को भी बताया है। स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, हमें धन्यवाद दूंगा क्या आप उनके कोटेशन यहां जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय है। आज जब कुछ लोग भारत को कोसते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं, जाति के नाम पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं, गरीब को राशन मिलना तो राशन उपलब्ध कराओ, काम नहीं तो भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराओ, बीमार हो गया तो टेस्ट करो, उपचार की आवश्यकता तो फ्री में उपचार दो, और भाइयों बहनों फिर फ्री में वैक्सीन भी दिया तो फ्री में राशन की सुविधा भी दी। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। दुनिया में बड़े बड़े विकसित देश हैं, प्रति व्यक्ति आय वहां दुनिया की सर्वाधिक है, लेकिन वे अपने लोगों को नहीं बचा पाए, क्योंकि सबसे प्रभावी दो वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के अंदर विकसित करवाई और भारत के हर नागरिक को बिना भेदभाव के इन सुविधाओं का लाभ दिया। एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं वो बड़ा है, या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है 26 नवंबर की तिथि को। अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। कोई मुसल के बारे में पूछता था तब देश में, बंटालिया के बारे में कोई पूछता था, चेरो थारू और तब गोलू का इतिहास, सबका जब अकबर राम से का इतिहास है कोई पूछता था, एहरिया सहरिया ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में है, आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहां पे कार्रवाई शुरू की।